और धमतरी जिला प्रशासन ने शहर में अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई की है। करीब आधे से अधिक जगहों पर हुए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से उखाड़ दिया है। वहीं इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पंचमुखी हनुमान नगर, रत्ना बांधा, विवेकानंद कॉलोनी समेत आधा दर्जन जगहों पर अवैध प्लाटिंग होने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी, जिस पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर ने अपर कलेक्टर, तहसीलदार, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई के लिए भेजा। देखिए, अवैध प्लाटिंग को लेकर धमतरी शहर में जो है लगातार कार्रवाई हो रही है। आज माननीय जो एडीएम साहब हैं उनके निर्देशन पे जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें निगम के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। और जो दो जेसीबी के माध्यम से मूल स्वरूप में परिवर्तन करने का जो अवैध प्लाटिंग का काम किया गया था उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। और मुरुम जो है जो रास्ता बनाया गया था उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। और ये जो है धारा 373 के तहत में जो 36 ग का जो उल्लंघन है उसको लेकर अवैध प्लाटिंग पे जो है लगातार धमतरी शहर में कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी।